नमस्कार, मसाला महक में आपका स्वागत है। मैं आज टमाटर की चटनी बना रही हूँ, तो उसके लिए मैं ये 4 टमाटर, 1 प्याज, 1 लहसुन, 3 हरी मिर्च स्वाद के अनुसार, तो गैस पे मैं ये रख दी हूँ जाली, और उस पे मैं चारों टमाटर, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च को डाल दी हूँ पकने के लिए। और ये धनिए की पत्ती है जिसको कि मैं नहीं पकाऊँगी। तो ये देखिए मेरा पक रहा है, गैस ऑन कर दी हूँ, फ्लेम को मैं मीडियम रखी हूँ, टमाटर को मैं उलट पलट के पका रही हूँ। देखिए ये टमाटर मेरा आधा पक गया है, तो उसको मैं पलट के अच्छे से जिधर कच्चा है उस साइड करके पका दूँगी। और लहसुन भी पक रहा है, प्याज भी पक रहा है, तो देखिए इस तरह से। तो सारे टमाटर को मैं पका लूँगी। पका लेने से ना स्वाद थोड़ा अलग आता है, स्मोकी टेस्ट आता है, तो अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है खाने में, सोंधा सोंधा। तो टमाटर को भी अच्छे से पका देना है उलट पलट के। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को क्लिक करेंगे, ताकि आपको मिलेगा मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो देखिए टमाटर जैसे जैसे पक रहा है, मैं निकाल रही हूँ, सारे टमाटर को निकाल लूँगी इसी तरह। और आप अपने फैमिली में भी शेयर करेंगे, फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे। तो टमाटर मेरा पक गया, लहसुन प्याज टमाटर सारा पक गया, थोड़ा ठंडा हो गया। तो मैं इसको इस तरह से, देखिए छिलका कितना आसानी से निकल रहा है, इस तरह से सारे छिलके को मैं निकाल लूँगी। और ये लहसुन को भी मैं इस तरह से छील लूँगी, देखिए इस तरह से। तो लहसुन इतना नहीं डालना है, लहसुन 4 से 5 कली डालेंगे। पका ली हूँ क्योंकि उसमें गिरने लगता जाली से, तो मैं साबुत पका ली हूँ। ये धनिया की पत्ती डालना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह मैं हाथ से इसको मैश कर दूँगी, हाथ से ही। मिक्सी में पीसने से अच्छा टेस्ट नहीं आता है इसका, तो मैं हाथ से ही, और जो मोटा पार्ट आता है उसको चाकू से कट कर देती हूँ छोटा छोटा टुकड़े में। फिर नमक डाल दी मैं स्वाद के अनुसार। फिर ये सरसों का तेल ही डालें तो उसको ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। फिर प्याज को मैं चॉप करके काट दी हूँ, धनिया पत्ता प्याज सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी इस तरह से। देखिए मेरा टेस्टी चटनी बनके तैयार हो गया है, आप ज़रूर बनाएं, खाएं। थैंक यू।